गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। और चैप्टर फर्स्ट क्या है? सेट्स। तो सेट्स का इंट्रोडक्शन हम लोग करेंगे और इसमें जो भी सेट्स को किस तरीके से लिखा जा सकता है ये सब हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो सेट्स को स्टार्ट करने के पहले हम लोग उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि सेट्स क्या चीज़ है। सेट्स या सेट हम लोग किस में बोलते हैं? हम लोग मैथमेटिकल टर्म्स में ज़्यादा सेट का यूज करते हैं। ऐसे भी सेट को किसी भी अदर फील्ड में भी सेट बोला जा सकता है। तो सेट क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ सिमिलर डेटा टाइप इज कॉल्ड सेट। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। हम लोग इसको अदर लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं कि सेट जो होता है वो क्या हो, एक सिमिलर डेटा टाइप का क्या होता है? ग्रुप होता है। सिमिलर डेटा टाइप का ग्रुप होता है सेट। सेट को हम लोग अलग अलग तरीके से शो करते हैं, अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि हम लोग किसको सेट बोलेंगे। तो जैसे हमारे क्लास 11 के जो स्टूडेंट हैं उनका सेट हो सकता है। दैट मीन्स स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 के स्टूडेंट का सेट। नंबर ऑफ क्लास ऑफ द स्कूल मानसरोवर विद्यालय, नंबर ऑफ क्लास ऑफ मानसरोवर विद्यालय के कितने क्लास हैं उसका सेट हो सकता है। इसी तरीके से हम लोग और भी सेट्स को, अलग अलग सेट्स को डिफाइन कर सकते हैं। और उसको हम लोग दो तरीके के रूप में लिखते हैं, एक रोस्टर फॉर्म में और एक सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हम लोग वो दोनों तरीके समझेंगे कि किस तरीके से उसको लिखा जा सकता है, सेट को किस किस फॉर्म में लिखते हैं हम लोग। जैसे नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखते हैं सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। किस तरीके से हम लोग सेट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, किस तरीके से हम लोग सेट को बताते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सेट्स को जैसे नेचुरल नंबर का सेट होता है, नेचुरल नंबर का सेट को एन से डिनोट करते हैं। अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एन से हम लोग नेचुरल नंबर होते हैं उस सेट को एन से डिनोट करते हैं। सेकेंड जेड से हम लोग इंटीजर्स को डिनोट करते हैं। तो अ सेट ऑफ इंटीजर्स के सेट को हम लोग किस सेट डिनोट करते हैं? जेड से। रेशनल नंबर के सेट को क्यू से डिनोट करते हैं। ये किसी सेट को डिनोट करने का एक तरीका है। अ सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, जितने भी रेशनल नंबर हैं उनके सेट को हम लोग किस से डिनोट कर रहे हैं? क्यू से, रेशनल नंबर। इसी तरीके से आर से हम लोग पूरे रियल नंबर के सेट को डिनोट करते हैं। अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, पूरे रियल नंबर की जो वैल्यू होती है उसको हम लोग किस से डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, पूरे रियल नंबर को हम लोग किस से डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। तो हम लोग इस तरीके से एक एक सेट बन रहा है। तो इस तरीके से सेट का एक और डेफिनेशन बन जाता है। और डेफिनेशन क्या है? वी शैल से दैट
हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेट का एक और डेफिनेशन क्या बनता है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो भी है वो एक वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड वैल्यू, तो जितनी भी वैल्यू आ रही है वो एक कैसी वैल्यू आ रही है, वेल डिफाइंड वैल्यू आ रही है। तो इसीलिए हम लोग वेल डिफाइंड वैल्यू के अकॉर्डिंग एक से इसका एक डेफिनेशन बनाते हैं। असेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, असेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसके वेल डिफाइंड कलेक्शन का जो सेट होगा वो हम उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। वेल डिफाइंड जो कलेक्शन होगा उसका, वेल डिफाइंड जो कलेक्शन होगा, इसमें मेन वर्ड हम लोग को याद रखना है कि वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड जो कलेक्शन होगा उसी के सेट को हम लोग क्या, उसका जो ग्रुप होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। अब सेट को रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, सेट का रिप्रेजेंटेशन जो हम लोग कर रहे हैं, तो रिप्रेजेंटेशन टू टाइप्स के होते हैं। इसका जो सेट का रिप्रेजेंटेशन है वो दो तरीके से हम लोग करते हैं, फर्स्ट रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, सेकेंड सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। हम लोग इसका रिप्रेजेंटेशन टू टाइप्स का करते हैं, पहला रोस्टर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से कर सकते हैं ये हम लोग देखते हैं, पर एक एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरीके से हम सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले हम लोग रोस्टर फॉर्म में देखते हैं, तो रोस्टर फॉर्म का एग्जाम्पल, जैसे रोस्टर फॉर्म में जो सेट हम लोग डिफाइन करते हैं उसमें जितने भी एलिमेंट होते हैं, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, पूरे एलिमेंट को हम लोग उसमें शो करते हैं। जैसे एक सेट लेते हैं ए, तो ये सेट जो है ये किसका सेट है, पूरे 1 2 3 4 5 6 इसी तरीके से 7 8 9 10 ये 10 नंबर का, 10 नेचुरल नंबर का, 1 से 10 तक नेचुरल नंबर का क्या है, ये सेट है। इस तरीके से हम लोग रोस्टर फॉर्म में किसी सेट को, जिसमें उसके ऑल एलिमेंट्स डिफाइंड होते हैं, ऑल एलिमेंट्स बताए जाते हैं, ऐसे ही हम लोग एक सेट लेते हैं, सेट ए टू जेड, ए से पूरे जेड तक का जो सेट होगा वो क्या है, बी, हम लोग एक सेट बी नाम दे दिए हैं उसको। तो इस तरीके से हम लोग इसमें ऑल एलिमेंट्स को डिफाइन करते हैं। तो ये रोस्टर फॉर्म में लिखने का एक तरीका है। सेकंड जो सेट बिल्डर फॉर्म में होता है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग सेट को कैसे लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में से कैसे लिखा जाता है किसी सेट को, जैसे ये पूरे नेचुरल नंबर का सेट है 1 से 10 तक का, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a इक्वल टू x। अब x हमने a इक्वल टू क्या बता दिया कि x है, बट x क्या है, x को हम लोग को बताना है कि x क्या है। तो x को डिफाइन कर रहे हैं सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, x क्या है, एक नेचुरल नंबर। बट अगर इतना हम लोग बोलते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा कि x की वैल्यू 1 से इंफिनिटी, बट हम लोग को ये डिफाइन करना है कि 1 से 10 तक होना चाहिए, दैट मींस x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10। x नेचुरल नंबर है, बट नेचुरल नंबर में भी x की वैल्यू 1 से 10 तक ही है, दैट मींस 10 से स्टार्टिंग वैल्यू 1 होती है, तो 10 से लेस देन होना चाहिए, तो 1 से 10 तक ही वैल्यू इसमें इंक्लूड होगी। तो इस तरीके से फॉर्म में लिखना ही क्या कहलाता है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज चैप्टर 1 के जो इस सेट बिल्ड, मतलब इस बेस पे जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 1.1, उसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और क्वेश्चन से समझते हैं कि किस तरीके से और भी सेट्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1.1 के हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन हैं वो हम लोग देखते हैं। जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है,
फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, हम लोग को कुछ स्टेटमेंट भी बना है, उन स्टेटमेंट को बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सेट्स कहलाएंगे जस्टिफाई योर आंसर। हम लोग को जस्टिफाई भी करना है कि मतलब वो करेक्ट किस तरीके से है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ईयर बिगनिंग विथ द लेटर जे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको उस नंबर का सेट बनाना है। हम लोग देखते हैं कि क्या ये सेट बनता है, ऑल द मंथ वो सभी मंथ लिखना है, हम लोग एक सेट मान लिए, वो सभी मंथ लिखना है जिसका स्टार्टिंग लेटर क्या हो, जे हो। दैट मीन जनवरी, जनवरी आ जाएगा इसमें, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून होगा इसमें स्टार्टिंग लेटर, हमको क्या देखना है जे होना चाहिए। जुलाई होगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और कोई वैल्यू नहीं होगी। दैट मीन्स इसमें वैल्यू डिफाइन है कि एक कौन कौन सी वैल्यू होगी, जनवरी, जून एंड जुलाई। तो ये सेट क्या है, डिफाइन है, वेल डिफाइन सेट है। तो वेल डिफाइन होने के कारण क्या है, ये एक सेट है। यस इट इज अ सेट, ये क्या है सेट, सेट है। रीजन क्या है इसके सेट होने के, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है, इसके जो एलिमेंट्स है वो क्या है, एलिमेंट वेल डिफाइंड है। तो वेल डिफाइंड होने के कारण इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक सेट है। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सेकेंड क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड, ये जो वर्ड यूज किया गया है सेकेंड, द कलेक्शन ऑफ, ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, तो हम लोग को जो सेट बनाना है वो क्या सेट होना चाहिए, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, मोस्ट 10 टैलेंटेड राइटर्स। तो हम लोग को अगर ये पता करना है कि मोस्ट टैलेंटेड राइटर कौन है, तो ये मोस्ट टैलेंटेड राइटर पता करना, ये क्या है, एक वेल डिफाइंड वैल्यू नहीं है, क्योंकि वेल डिफाइंड वैल्यू जो होती है उसकी वैल्यू हम लोग को फिक्स होता है, चाहे वो रोस्टर फॉर्म में लिखें या सेट बिल्डर फॉर्म में, तो उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है कि कौन कौन से मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं इंडिया में। तो इस ये क्या वेल डिफाइंड नहीं होने के कारण, तो द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया इज नॉट वेल डिफाइंड। अगर हम लोग इसका आंसर लिखेंगे तो आंसर क्या लिखेंगे, इज नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड ही नहीं है। अगर ये वेल डिफाइंड नहीं है तो क्या है इसका मीनिंग, देन नॉट अ सेट, ये सेट भी नहीं होगा। अगर इसकी वैल्यू वेल डिफाइंड होती तब क्या होता है, ये सेट होता। तो इसकी वैल्यू वेल डिफाइंड नहीं है इसलिए सेट भी नहीं है। इसी तरीके से हम लोग को सेकेंड, थर्ड, बाकी अदर्स क्वेश्चन को भी करना है। उसमें जैसे थर्ड क्वेश्चन क्या है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड का अगर 11 बैट्समैन हम लोग को देखना है तो उसको ना रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं ना सेट बिल्डर फॉर्म। दैट मीन्स वो भी वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए वो भी क्या है, सेट नहीं है। फोर्थ का है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब आपके क्लास 11th के जो जितने बॉयज हैं, तो उसमें हम लोग को पता है कि कितने बॉयज हैं 11th में, 10, 5 जितने भी नंबर ऑफ बॉयज हैं, तो उन बॉयज के नाम भी लिख सकते हैं हम लोग। तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते, सॉरी रोस्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है। दैट मीन्स उसके डेटा जो गिवन है वो डेटा क्या है, वेल डिफाइंड है। तो वेल डिफाइंड डेटा के कारण वो क्या होगा, सेट होगा। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है, यस इट इज अ सेट। तो इस तरीके से हम लोग पूरे क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन के करेंगे। अब इसमें जो सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन कर रहा है वो हम लोग को देखना है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है लेट ए, हम लोग को एक सेट गिवन है, सेट क्या गिवन है, ए इक्वल टू सेकेंड
ए इक्वल टू हमको क्या आगे बढ़ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ये हम लोग को क्या है गिवन है। अब हम लोग को क्या बोल रहा है, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। हम लोग को क्या दो सिंबल का यूज करना है, कौन सा सिंबल, एक बिलोंगिंग टू और एक नॉट बिलोंगिंग टू। हम लोग को दो सिंबल का यूज करना है, जो हम लोग को नीचे क्वेश्चन दिया गया है उसमें बिलोंगिंग टू एंड नॉट बिलोंगिंग टू का सिंबल यूज करना है। तो जैसे इसमें हम लोग किसको बिलोंगिंग टू किसको नॉट बिलोंगिंग टू बोलेंगे, जो इस सेट में है दैट मीन्स वो क्या होगा बिलोंगिंग टू, जो एलिमेंट इस सेट में है वो उसमें हम लोग क्या यूज करेंगे बिलोंगिंग टू, और जो इस सेट में नहीं है उसमें बिलोंगिंग टू नॉट बिलोंगिंग टू का यूज करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 5, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 5 डैश डैश का गिवन है ए, तो 5 क्या है इस सेट में है ए में है, यस 5 है, इसलिए इसमें क्या होगा बिलोंगिंग टू का यूज करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है 8, तो क्या 8 इस सेट में है, नहीं दैट मीन्स नॉट बिलोंगिंग टू का यूज करेंगे। इसी तरीके से हम लोग बिलोंगिंग टू नॉट बिलोंगिंग टू का यूज करेंगे, जो इस वैल्यू जो एलिमेंट इस सेट में है वो बिलोंगिंग टू के अंदर यूज होगा। ऐसे ही हम लोग बाकी सब क्वेश्चन को लिख सकते हैं, बाकी सब क्वेश्चन को करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा तो वो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उस क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।